हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं थाइमस ग्लैंड के बारे में। तो अगर हम थाइमस के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर के बारे में अगर बात करते हैं तो एक ही होता है ये। और अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर होता है लॉब्यूलर, मतलब लोब्स होती हैं इसमें। सो इट हैज़ लॉब्यूलर स्ट्रक्चर। लोकेशन की बात करते हैं तो ये लंग्स के बीचों बीच प्रेजेंट होता है। अगर लोकेशन की बात करते हैं इसकी, सो इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन लंग्स, बिटवीन लंग्स होगा और बिहाइंड दी स्टर्नम होगा। ठीक है, स्टर्नम आपको पता ही होगा कि जो हमारी रिब केज होता है उसके बीच में एक हड्डी होती है, एक बोन होती है जिसको हम स्टर्नम कहते हैं। कुछ इस तरीके की वो बोन होती है, ठीक है, और उसके साथ हमारे ऐसे रिब केज जुड़े हुए होते हैं, है ना, आपको पता ही होगा। तो ये जो स्टर्नम है इसके बैक साइड पे ये प्रेजेंट होता है थाइमस ग्लैंड। तो अगर सपोज ये स्टर्नम की बैक साइड है तो यहाँ पर हमारा ये थाइमस जो है वो प्रेजेंट होगा, जो हमारी लंग्स हैं उनके बीचों बीच ये प्रेजेंट होता है थाइमस ग्लैंड। ठीक है, आप सबसे पहले हम इसके हार्मोन के बारे में बात करते हैं, देन बात करेंगे इसके फंक्शन के बारे में कि हार्मोन का फंक्शन क्या होता है। सो अगर हम इसके हार्मोन की बात करते हैं तो ये एक ही हार्मोन सिक्रीट करता है। दिस ग्लैंड सिक्रीट्स द पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड थाइमोसिन्स। ठीक है, ये एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको थाइमोसिन्स भी कहते हैं। द हार्मोन इज नोन एज थाइमोसिन्स। ठीक है, थाइमोसिन्स प्ले अ मेजर रोल इन द डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। तो थाइमोसिन्स का जो मेजर रोल होता है वो टी लिम्फोसाइट्स के डिफरेंशिएशन में होता है। टी लिम्फोसाइट्स, अगर आपने इम्यूनोलॉजी पढ़ी है तो आपको ये वाली चीज़ पता होगी कि जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं और जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो बोन मैरो में बनते हैं। जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो बोन मैरो में ही बनते हैं और बोन मैरो में ही उनका डिफरेंशिएशन होता है, जबकि जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो बनते तो बोन मैरो में हैं बट उनका जो डिफरेंशिएशन है यानी उनका जो एक्टिव होने का प्रोसेस है वो थाइमस में होता है, और थाइमस में इनका डिफरेंशिएशन होने की वजह से ही इनको टी लिम्फोसाइट्स कहा जाता है। तो जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं जो कि हमारे इम्यूनिटी होती है उसमें रोल प्ले करते हैं। हमें पता है कि हमारे पास दो तरीके की इम्यूनिटी होती है, एक इननेट और एक्वायर्ड। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में दो चीज़ें होती हैं, एक बी लिम्फोसाइट्स यानी बी सेल्स और दूसरे टी सेल्स। सो बी सेल्स और टी सेल्स, तो टी सेल्स यानी टी लिम्फोसाइट्स जो कि इतना ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं हमारे इम्यूनिटी सिस्टम में, उनके डिफरेंशिएशन में मेन जो रोल होता है वो थाइमस का होता है। थाइमस के अंदर जाके वो डिफरेंशिएट करते हैं और उनके डिफरेंशिएशन का श्रेय थाइमोसिन को जाता है। थाइमोसिन एक हार्मोन है जो कि थाइमस ग्लैंड सिक्रीट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि थाइमस जो है उसके अंदर टी लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसलिए थाइमस इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो हमारी बॉडी को सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। अभी मैं आपको ये तो एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है, बिकॉज फिर हम ऑफ टॉपिक चले जाएंगे। बट हाँ, दो तरीके की एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, एक सेल मीडिएटेड और एक ह्यूमोरल। तो सेल मीडिएटेड जो इम्यूनिटी होती है वो टी लिम्फोसाइट ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो टी लिम्फोसाइट थाइमोसिन की वजह से डेवलप कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं सॉरी। तो इसीलिए थाइमस ग्लैंड का मेजर रोल है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में। साथ साथ में एंटीबॉडीज होती हैं उनके प्रोडक्शन को भी प्रमोट करता है थाइमोसिन। इट आल्सो प्रमोट्स प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, है ना। तो जब ये एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन को भी प्रमोट कर रहा है तो इसका मतलब ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी में भी रोल प्ले कर रहा है। सो इट प्रमोट्स प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। सो इट प्रमोट्स दी प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, एज अ रिजल्ट इट ऑल्सो प्लेज मेजर रोल इन ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी यानी एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है ह्यूमोरल इम्यूनिटी, उसमें भी रोल प्ले कर रहा है, सेल मीडिएटेड में भी रोल प्ले कर रहा है। सो ये इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर आपको एक चीज़ बताती हूँ कि थाइमस ग्लैंड जो होता है, थाइमस ग्लैंड जो होता है उसके जो सेल्स होते हैं वो टाइम के साथ साथ, एज के साथ साथ डीजनरेट होने लग जाते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं थाइमस ग्लैंड सेल्स डीजनरेट्स विद एज, है ना, एज के साथ वो डीजनरेट करने लग जाते हैं, और एज के साथ डीजनरेट होने की वजह से थाइमस ग्लैंड कमज़ोर पड़ जाता है। थाइमस ग्लैंड बिकम्स वीक, है ना, और अगर थाइमस ग्लैंड वीक पड़ जाएगा तो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट के जो फंक्शनिंग है वो भी वीक पड़ जाएंगे, जिस वजह से इम्यूनिटी कम हो जाती है, इम्यूनिटी वीकेंड्स, इम्यूनिटी कम हो जाती है। इसलिए आपने देखा होगा ओल्ड एज में बीमारी ज़्यादा जल्दी पकड़ जाती है,
क्योंकि इम्यूनिटी वीक हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इम्यूनिटी वीक होने का एक कारण ये भी है कि वो उनका जो थाइमस ग्लैंड होता है वो डीजनरेट होने लग जाता है, जिस वजह से इम्यूनिटी पर इफेक्ट पड़ता है। बिकॉज थाइमस ग्लैंड जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इम्यून सिस्टम में, क्योंकि टी लिम्फोसाइट्स को तो वो डिफरेंशिएट कर ही रहा है, साथ साथ में एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन को भी स्टिमुलेट करता है या फिर कहीं की बढ़ावा देता है। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा, अब आप इसको NCERT से ज़रूर रिवाइज करना, अपने नोट्स बनाना, ताकि ये टॉपिक आपके माइंड में क्लियर हो जाए। बिकॉज ये DSSB की अगर नज़रों से हम देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंडोक्राइनोलॉजी। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एप्लीका वर्ल्ड को सब्सक्राइब